आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की। सरकारी राशन कम तौल रहा है, कोटेदार ग्रामीणों ने तहसील दिवस में शिकायत। बबीना ब्लॉक ग्राम सरवा सरकारी राशन कोटेदार उचित दर की दुकान स्थान मोहल्ला रस बांगर में कोटेदार रामजीवन 15-16 साल से सरकारी राशन कोटेदार है। सरकार द्वारा फ्री राशन दिए जाने पर और कोटेदार रामजीवन द्वारा राशन ग्रामीणों को कम तौलने पर बार बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों द्वारा सरकारी राशन कोटेदार की शिकायत तहसील दिवस में की। तहसील दिवस में उच्च अधिकारी द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी ग्राम सरवा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक गांव में रहकर ग्रामीणों की शिकायत सुनी और ग्रामीणों द्वारा बहुत से लोगों ने शिकायती पत्र देकर अधिकारी को अवगत कराया। झांसी से मंडल हेड इब्राहिम दास की खास खबर। सर, आज आप जहाँ आए हुए हैं सरवा गाँव में, क्या समस्या थी और क्या कारण है? बेसिकली तहसील दिवस में जो है धर्मेंद्र चौहान नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी कि कोटेदार घटतौली करता है। उनकी शिकायत पर ही आए और उनको पूर्व सूचना दे दी गई थी 10 बजे कि हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने एक जगह बताई, एक मंदिर, शिव मंदिर की, उन्हें और वहाँ बैठे और लगभग 13-14 लोगों के बयान हुए जिन्होंने कहा कि हमें कुछ कम मिला है राशन। बाकी कोटेदार आए तो कोटेदार को पता चला है कि वो किसी एग्ज़ाम दिलवाने चले हैं, तो उन बयान के आधार पर ही जो कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे क्या कार्रवाई की जाएगी जो घटतौली चल रही है? पहले देखिए, घटतौली के जितना प्रकरण है उसके जो है इनको नोटिस देंगे और अगर इस पर जो लगे आरोप सत्य पाए जाते हैं तो उस पर निलंबन या निरस्तीकरण या जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। तकरीबन कितने दिन का समय लगेगा एंटी कार्रवाई? ये लगभग नेचुरल जस्टिस है तो 15 दिन का, तो उसको 2 बार टाइम देंगे, दो बार टाइम देंगे उसको कि वो अपना स्पष्ट करे स्थिति। जैसे कि सर जी, ये घटतौली वाली जो समस्या है ये झांसी जनपद में कई कोटेदारों के पास चल रही है। नहीं, जैसा भी मैं यहाँ बयान जब ले रहे थे, लोग दे रहे थे, तो वो एक बात बोल रहे थे कि वहाँ पूरा मिलता है, घर आके कम मिलता है। तो घटतौली उसी को कह सकते ऑन स्पॉट अगर कोई बताए कि भाई मुझे 20 में जो है 18 मिला है, अगर उसने कोटेदार के यहाँ से बोल रहा है कि मौके पर 20 मिला और घर आके 18 मिला, तो इस बात पर हम बहुत पूरा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर वो कहता है कि मुझे 2 किलो कम मिला तो ये विश्वसनीय नहीं है। और दूसरी बात ये कि कारधारक को चाहिए कि ऑन स्पॉट वहीं जो है मौके पर ही उसको तुलवाई कर। सर, वैसे जो कोटेदार की दुकानें हैं उनको खोलने का समय क्या है? इनको महीने में कितने दिन दुकान खोलनी चाहिए? देखिए, इनके जो साप्ताहिक बंदी है एक, उसको छोड़ने के बाद और जो राशन उठान करते हैं उसे छोड़ने के बाद ये दुकान खोलेंगे और प्रातः 9 से लेके जो है 12:30 और फिर जो है 2 से लेके 6 बजे तक। लेकिन सर, जैसे कि झांसी जनपद में कई कोटेदारों को देखा जाता है कि वो अपने मनमर्जी दुकान खोलते हैं, मनमर्जी बंद कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो दुकान खोलते ही नहीं पूरे पूरे दिन। नहीं, ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आता, आए तो कार्रवाई करते हैं क्योंकि बायोमेट्रिक वितरण है, दुकान तो उसको खोलनी ही पड़ेगी। जैसे कि आज आप जहाँ आए हुए हैं सरवा गाँव में, यहाँ भी कोटेदार ने दुकान कल से बंद है? कल से बंद है, भी जो बताया उसके परिवार ने कि एग्जाम दिलवाने गया लड़की के, तो इसमें नोटिस में इसको शामिल करेंगे। क्या समस्या है आपकी जो कि आज आपके ग्राम सरवा में कोटेदार की दुकान पर जलापूर्ति अधिकारी को आना पड़ा, क्या कारण था? सर, ऐसा है, हमारे ग्राम सरवा में रामजीवन के पास कोटा करीब 15-18 साल से लगभग से है जी, और बार बार शिकायत करने के बाद ये की शिकायत आती कम तोलने की, सर घटतौली से बोला जाता है जी। तो बार बार समझाया मैंने भी, ग्राम प्रधान ने भी, हम यहाँ के आए थे तो हमने कहा इसको सुधार लो, वो कह रहे इसमें पैसा नहीं मिलता है, इसमें कुछ घटतौली करनी पड़ती है। तो सर हमने फिर शिकायत की तो ऊपर अधिकारी कह रहे नहीं कुछ नहीं पूरा मिलता है। आज वहाँ से झांसी से आए थे अधिकारी लोग और उन्होंने बताया आपको पूरा मिलता है, तो यहाँ करीब 15-16 लोगों ने अपने बयान दिए हैं और करीब मंदिर पे 100-150 लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। साहब ने कहा है कि हमें ऐसे आश्वासन देते गए हैं, बाकी सर प्रशासन जाने, हम लोग तो सब अर्जी लगा सकते हैं कि सर हमें कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, शासन के द्वारा फ्री राशन है सर, और उसमें अगर हमें 20 का 17 निकले और सर 30 का अगर 26 निकले उसके ही गलत है सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.